अरे यूँ देखो बस अब आसमान में पटाखे दग रहे थे, कहा था इसको आतिशबाजी बोलते, बहुते लाजवाब का दर्शन था। पर आपको बस आप दिल्ली लिए चलते हैं, पटना लिए चलते हैं, मुंबई भी जा सकते हो या कानपुर भी जा सकते हो, टीवी ऑन करो तुरंत पहुंच जाओगे। आजकल तो बस आप घर बैठे हर जगह देख सकते हो आप, कहा बताए। बाराबंकी जिले में बस आप बहुत सादगी के साथ मनाएगा दशहरा। बाग बस आप जहाँ पर धूम मची रहती थी वहां पर एक है बस आप रावण का पुतला था, वह कागज वाला और पीछे भूसी भरी पड़ी थी और बगैर इसको बार दिया गया, हो गया रावण का तब, कहा बताए। माथा तो बहुत गर्मा रहा था लेकिन कहा बताए, बहुत बस कोरोना की गाइडलाइंस का नियमों का पालन जो किया जाता है। अब ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, कहेंगे देखो देखो बहुत बोलता है। फिलहाल बस अब बाराबंकी जिले में धूमधाम के साथ दशहरा बाग में देखो देखो रावण कांत हो गया। आखिरकार बस अब राम जी ने ऐसा धनुष चला के कहा बताए। हम बकायदा भैया पूरे देश भर में देख चुके हैं, हर जगह रामा जी दिखते हैं और हर जगह रावण दिखता है और रावण का भाषा बंद हो जाता है। पर आपको बता दें कि दिल्ली से पटना और पटना से लेकर मुंबई कानपुर और पूछ लग गया देश भर के भाषा विभिन्न शहरों में विजयदशमी और बकायदा दशहरे की धूम देखने को मिली। असत्य पर सत्य की जीत हुई, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और बाराबंकी जबकि के बस अब हैदरगढ़ क्षेत्र के चाहे जहां देखे आकर्षित करने वाला दृश्य देखने मिला। भाषा आतिशबाजी देख लीजिए, बहुत लाजवाब की आतिशबाजी, पूछो ना भैया आंखें फट जाएंगी वाकई में देख के जाओ। तो भैया बकायदा वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिएगा, दमदार खबर तरह के शुभ के साथ।